जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये पहले वक्तों की बात है, जब पहले वक्त होते थे तो आटा कैसे, गंदम का आटा कैसे पीसा करते थे। वो हाथ वाली चक्की होती थी, ठीक है, ये देखें आपके सामने हाथ वाली चक्की। तो आज हम गंदम तो नहीं पीसने आए, लेकिन चावल पीसने आए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि चावल इस चक्की से कैसे पहले पीसते थे। ये बहुत पुरानी चक्की है, तकरीबन 10-20 साल हो गए हैं इस चक्की को, उससे भी ज़्यादा पुरानी होगी। चल जाए ना, चलाओ। ये जो ऊपर सुराख आपको नज़र आ रहा है, इस सुराख में चावल डालते थे, चावल या गंदम होती, फिर इस चक्की को चलाते थे, ठीक है, इसमें चावल डाल के या गंदम डाल के, तो फिर इसे घुमाते थे। ये नीचे देख रहे हैं आप, ये आटा आ रहा है और ये चक्की चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बच्चे से चक्की चलाई नहीं जा रही थी, इसलिए मैं बैठ गया। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये चावल हैं, ठीक है, ये पीस रहे हैं, यहाँ पे चावल डाले जाते हैं। ये छोटी चक्की है, कुछ बड़ी भी होती हैं ये, लेकिन ये छोटी है। ये बहुत पुराने वक्तों की बात है, उस टाइम थी 20-25 साल की पहले। तो देखें इस चक्की का बहुत ही कमाल है, इसकी मोटी माशाल्लाह, आसा आसा चलाओ इसकी चक्की। जो ये जो चक्की है ना, इसका आटा जो था ना, जो आता है इसका आटा, ये माशाल्लाह बहुत ही ताकतवर होता है। आजकल की जो चक्की हैं वो, उसका आटा इतना ख़ास नहीं होता, रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती। तो ये देखिए माशाल्लाह चक्की है, आगे आगे हम आपको बताते हैं। पुराने वक्त बहुत अच्छे होते थे, लेकिन आजकल पुराने वक्तों को कोई याद ही नहीं करता। उस टाइम, उस वक्त चक्कियाँ, गेर और जानवरों से काम लिया करते थे। जी मैं खुद इस चक्की से गंदम का दलिया बना के मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ताकत होती है हाथ की चक्की से पीसा हुआ आटा या चावल वगैरह। ख़त्म हो गया मेरे ख्याल। चल बस ठीक है, ख़त्म नहीं हो गया। चल नाल ला के कढ़ हम बाहर। जी है देखो, साइडा तो है छोटा या पूरा पंजाबी कह लेने हैं कि राह बनया हुआ है, टुक बनाया हुआ है, इतों साइडा तो कड़ लेंगे ने इनू इंज ना ला। चल हूँ कट। जी ये देखो, जी माशाल्लाह, ये देखो चावलों का आटा तैयार हो गया, ठीक है। गंदम भी पीसी जाती है यहाँ पे इस चक्की पे, नमक भी और चावल भी, जो पीसने वाली चीज़ होती है ना इस चक्की से, हाथ वाली चक्की से बहुत आसानी से काम हो जाता था पहले, लेकिन अब तो
पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मशीनरीज आ गई हैं कि इस चक्की की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो इस चक्की का कमाल था वो आज वाली चक्कियों में नहीं है। रोटी नहीं सही बनती, ठीक है। पहले वक्त बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन इस वक्त को कोई याद भी नहीं करता। लेकिन ये वीडियो आप लोगों को इसलिए दी जाती है कि आप लोग इस वक्त को याद करें, ठीक है। आप लोगों की याद ताज़ा करने के लिए बनाई जाती है। कुछ लोग होते हैं इस शौक़ को अभी भी आजमा रहे हैं, इस शौक़ को अभी भी उनका ये शौक़ होता है, ठीक है। लेकिन फिर देखते हैं, बड़ी भी चक्की होती है लेकिन ये छोटी है। अच्छा माशाल्लाह ये तैयार हो गया आटा। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों के पास बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।